अल्लाह के अहकामात को पूरा करने का वक्त जब भी हम पे आए तो हिसाब को घड़ी घड़ी आए जिंदगी में तो उसको आपको अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। और जैसा कि आपने इमाम साहब की दुआ सुनी होगी तो माशाल्लाह मेरे घर में बहुत अच्छी आवाज़ आती है खुतबे की, तो मैं ज़्यादातर जुम्मे को भी बाहर जाके अपना पोर्च में इनका खुतबा सुनती हूँ, दुआ सुनती हूँ। और आज भी मेरे को बहुत अच्छी साफ़ आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा चलें मैं आपके साथ भी ये दुआ शेयर करूँ। और जनाब सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मर्द हजरात आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के और अब हम लोग भी कसाई के इंतज़ार में हैं, नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो आज मैं ज़्यादा तो कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ही मसरूफियत भरा दिन होगा, लेकिन जो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ कुछ टाइम गुजारूँ। तो बस मेरा भी दिल उदास हो रहा था, मैंने कहा कि चलो जब तक कसाई आते हैं मैं कुछ देर के लिए बकरों के पास टाइम स्पेंड करूं कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारे जज्बे को कबूल करे। देखें ये कोई दिखावे की कोई उसकी बात नहीं होती, लेकिन बस ये एक जज्बा है हमारे मुसलमानों का और अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए फ़र्ज़ किया है हम पे, जो कि बस अल्लाह ताला कबूल करे और हम अपने इस फ़र्ज़ को बखुशी जो है पूरा करें। तो साथ साथ मैंने प्रिपरेशन भी करी है घर की, ये पानी के टैंक के मैंने ऊपर कवर चढ़ा के रखा कि कहीं यहाँ पे ज़ाहिर धुलाई वगैरह होगी, कुर्बानी होगी, तो बस साथ में चटाई है, सब कुछ समेट रहा है, काम हो रहे हैं। तो कसाई हमारे आ चुके हैं जनाब, तो मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं जो है अपने प्यारे प्यारे बकरों के साथ एक आखिरी मुलाकात कर लूं। और यहाँ पे मेरी हेल्पर भी बहुत एक्साइटेड हो रही है, उसे भी बहुत प्यार हो चुका है बकरों से। तो बस जी कुर्बानी हो चुकी है और गोश्त बन रहा है और ये सबसे पहले जो कलेजी आई है तो मैंने कहा कि बनाऊं ताकि थोड़ा सा घर वाले भी चखें, कसाईयों को भी चखाई जाए। और जी साथ साथ मैंने कढ़ाई के लिए भी गोश्त चढ़ा दिया है, तो बस बन रहा है और काफ़ी मसरूफियत हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, साथ में मैंने चाय भी बनाई है, कसाईयों के लिए भी चाय बनाई, घर वालों ने भी दोबारा, बस बकराईद वाले दिन तो आपको पता है कि यही होता है, बार बार चाय बना लो, ये कर लो, पानी दे दें, कोल्ड ड्रिंक दे दें, तो साथ साथ सब चल रहा है। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग था आज का, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।